स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। अगर शीशे का यह आखिरी टुकड़ा बिखर गया तो अंश और मुन्ना परछाई लोक में हमेशा के लिए फंस कर आ जाएंगे और हम उन्हें वापस कभी नहीं ला पाएंगे। भाभी, ये आग तो बढ़ती जा रही है, हम हमारे मुन्ना को कैसे बचाएंगे? इस आग को बुझाने का कोई तो तरीका होगा नहीं साची, प्लीज सोचिए। मुन्ने की तरह आग भी शीशे में कैद हो गई है। गुड़िया अपनी दैविक शक्तियों से आग को बुझा भी नहीं सकती और अगर हम आग बुझाएं तो धुएं से मुन्ने का दम घुट सकता है। आग को बाहर नहीं निकाला जा सकता लेकिन मैं अंदर जाके आग को रोक सकती हूँ। गुड़िया रुक जाओ, एक बार सोच लो, अगर तुम शीशे के अंदर गई तो हो सकता है तुम हमेशा के लिए वहीं फंस गए। बाबा, इस वक्त आधी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर अपने बेटे को बचाने के लिए मुझे जिंदगी भर उस शीशे में कैद भी हो जाना पड़े तो मुझे ये भी मंजूर है। पिया नहीं, अंश, मुझे मत रोको। देखो हमारा बच्चा, हमारा आदि, वो अकेला है, उसके पास कोई तो अपना होना चाहिए ना। मैं जानता हूँ आदि के साथ कोई अपना होना चाहिए, इसलिए तुम नहीं जाओगी, मैं जाऊंगा। लेकिन अंश, पिया मैं ही जाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं तुम यहां रहकर हम दोनों को बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लोगी। लड़की से राक्षस कील लेने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? कील तारा के हाथ के अंदर है, उसे निकालूंगा कैसे? मैं बताती हूँ कैसे। क्या हुआ तारा? मयंक, वो औरत, मयंक, वो औरत यही थी, वो मुझ
मुझ पे हमला किया उसने। वो जंगल में भी तुम्हारे साथ थी, उसने तुम्हारी हेल्प की थी ना। मैं किसे क्यों रहे? कौन थी वो मुझसे क्या चाहती है? कौन उससे मेरा हाथ काटना चाह रहा है? वो उसने मुझ पे अटैक किया। क्या चाहती है वो? भाभी ये आग तो बढ़ती जा रही है, अब क्या करें? निशान जी कुछ कीजिए ना, इन्हें बाहर निकालिए यहाँ से, कुछ तो कीजिए। बाबा बताइए हम क्या करें? मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन दिक्कत यह है कि आज तक कोई परछाई लोक में जाकर वापस नहीं आ पाया, इसलिए वापस आने का तरीका किसी को नहीं पता और इन किताबों में भी उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। निशान जी वापसी का रास्ता ढूंढने की बात बाद में सोचिएगा, पहले आपको काबू करने के बारे में सोचिए, दोनों की जान खतरे में। एक मिनट, अगर हम ये मनुष्य शीशा ही तोड़ दे तो फिर तो हमारा अंश और मुन्ना बाहर आ सकते है ना। तोड़ देते इसे। मुझे नहीं लगता कि शीशे को तोड़ने से हमें कोई मदद मिलेगी, बल्कि हो सकता है कि हमारी मुश्किल और बढ़ जाएगी। लेकिन निशान जी अगर इस किताब में परछाई लोग के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये शीशा तोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा? हो सकता है कि ये शीशा तोड़ना ही इसका सलूशन हो। बाबा प्लीज कुछ करिए, आदि और अंश दोनों खतरे में, प्लीज उन्हें बचाइए, कुछ कीजिए। भाभी, माँ ये भाभी ये क्या किया आपने? वीरसिंह जी आपने ये क्या कर दिया? हमारी दुनिया और परछाई लोग के बीच में एक ही तो कड़ी थी, ये शीशा, और आपने उसे तोड़ दिया। निशान जी मुझे लगा कि ऐसा करने से अंश और मुन्ना बाहर आ जाएंगे, इसीलिए मैंने तोड़ दिया। अगर मैंने मना किया था तो उसके पीछे एक वजह थी। माँ ये आपने क्या कर दिया? भाभी ये शीशा तो और टूटते जा रहा है, अब हम क्या करेंगे? दिखाई नहीं दे रहे, अब क्या करेंगे? मुझे भी दिखाई नहीं दे रहे। मुझे दिखाई दे रहे। अगर शीशे का ये आखिरी टुकड़ा बिखर गया तो अंश और मुन्ना परछाई लोक में हमेशा के लिए फंस कर रह जाएंगे और हम उन्हें वापस कभी नहीं ला पाएंगे। भाभी ए भगवान, ये क्या कर दिया? अब क्या होगा? ठीक हो जाएगा भाभी, सब ठीक हो जाएगा। मेरी भाभी मैं क्या करूं? आप ठीक है ना? मेरी फिकर छोड़ो, उस कील की फिकर करो। वो कील हर हाल में चाहिए। अतारा पे हमला करने की क्या जरूरत थी? अरे वाह, रिश्ता जुड़ते ही इतनी फिकर होने लगी। राक्षस वंश को तो जानते हो ना, उन्हें वो कील हर हाल में चाहिए। तो कीमत राक्षस वंश को चुकानी चाहिए, तारा को नहीं। मैंने उसे किडनैप किया, जबरदस्ती शादी की, डरी हुई है। तुम्हें उस लड़की से इतनी हमदर्दी है तो ठीक है, मैं बीच में नहीं आऊंगी। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे वो कील ला कर दो। बाबा, शीशे का आखिरी टुकड़ा भी ज्यादा टिकेगा नहीं। प्लीज कुछ करिए, हमें क्या करना है बताइए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कोई तरीका तो होगा ना बाबा, जिससे इस लोक से उस परछाई लोक तक आए जाए जा सके। प्लीज कुछ तो बताइए। याद है जब आप मुझे बचाने के लिए त्रिशंकु लोक में गए थे, तब हम वापस भी तो आए थे। इसका मतलब यही है कि दो लोगों के बीच आना जाना पॉसिबल है। हाँ गुड़िया, रास्ता होना तो चाहिए लेकिन मुझे उसके बारे में नहीं पता। डायन वृक्ष, डायन वृक्ष।
याद है तुम्हें कैसे डायन ब्रिक्स हमें इस घर से जंगल तक लेकर गया था? हाँ, वैसे ही डायन ब्रिक्स अंशुल मुन्ना को भी वहां से यहाँ ला सकता है ना? लेकिन माँ, डायन ब्रिक्स को बुलाएगा कौन? क्योंकि हम में से तो कोई भी डायन वंशी नहीं है। और जो डायन वंशी है वो तो परछाई लोक में कैद है। आवाज अंश तक नहीं पहुंच पा रही है। डायन ब्रिक्स तुम्हें वहां से निकाल सकता है। डायन ब्रिक्स जल्दी बुलाओ। मुन्ना, तारा यहां भी नहीं है, कहां गई? चले तो नहीं गए? माँ, क्या हुआ माँ? क्यों बोलो? कुछ नहीं, वो पुरानी बीमारी बेटा, माइग्रेन की। वो तो कहो कि तारा वहां थी तो उसने मुझे संभाल लिया। देखो ना, बेचारी का पैर जला हुआ है फिर भी मेरी सेवा में लगी है। इतना दर्द हो रहा था सर, इसने तेल गरम करके मालिश की तब जाके थोड़ा आराम हुआ। मयंक, जादू है इसके हाथों में। खूब खुश रहो बेटा। मैं आपको मुझे बताना चाहिए था। मैं ठीक हूँ मयंक, तू जा। Such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.